हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर आपकी टिकट किसी भी कारणवश गुम हो जाए, वैसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी आगे की यात्रा को कैसे पूरी करेंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर ट्रेन में सफर करने के दौरान आपके पास अनरिजर्व या जनरल टिकट है और वह खो जाए तो आप बिना टिकट हो जाएंगे और आपको टीटी के द्वारा पकड़े जाने पर आप अपनी समस्या टीटी से बता सकते हैं। अगर वह आपकी समस्या को समझते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको पेनाल्टी के साथ टिकट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और वह किसी भी कारण से गुम हो जाए या फिर आपने ऑनलाइन टिकट करवाया है और उसका मैसेज आपके पास ना हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको यात्रा के दौरान टीटी को अपनी आईडी प्रूफ सबूत के तौर पर दिखानी पड़ेगी। यदि आपका दावा टीटी के द्वारा मान्य पाया गया तो टीटी बिना किसी पेनाल्टी के एक किराए का रिसिप्ट आपको इशू कर देंगे जिसमें आपका सीट और बर्थ नंबर मेंशन रहेगा। अगर आपकी आईडी चार्ट के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है तब आपको टीटी बिना टिकट पर्सन समझकर पेनाल्टी के साथ किराया लेंगे और आपको एक रिसिप्ट जारी करेंगे जिसमें सीट या बर्थ नंबर का कोई दावा नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी टिकट किसी भी तरह से गुम हो जाती है तब आपको उस पीएनआर नंबर को ब्लॉक करवाना जरूरी होता है जिससे कि कोई उस टिकट के साथ फ्रॉड ना कर पाए। इसके लिए आप अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ किसी भी पीआरएस काउंटर पर जाएं और खोए हुए टिकट का एक फॉर्म फिलअप करें जिसमें अपनी पीएनआर नंबर, सीट नंबर, डेट, जर्नी की सारी डिटेल्स भर कर काउंटर पर जमा करें। सारी चीजें सही पाए जाने पर आपके टिकट के पीएनआर नंबर को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर यात्रा शुरू करने से पहले ही आपका टिकट गुम हो जाए और आप उसकी डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो ट्रेन के प्रस्थान के 12 घंटे पहले कुछ चार्ज लेकर डुप्लीकेट टिकट इशू किया जाता है। लेकिन यह डुप्लीकेट टिकट तत्काल या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। इस तरह से इस वीडियो में आपने रेलवे के टिकट के खोए जाने पर किए जाने वाले कुछ जरूरी बातों के बारे में जाना। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जिसे हर यात्री को पता होना जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। Thank you for watching, friends.